हेलो सत श्री अकाल जी। अज आप बनावांगे खीर पूड़े। खीर पूड़े सावन के महीने बनाए जाते ने। खीर पूड़े बहुत ही खास होंगे ने सावन के महीने के। अज वैसे ही मौसम बहुत वधिया है, बारिश हो रही 2 दिन तो लगातार साढ़े इत्थे, ते मन किया भी अज खीर पूड़े तैयार करिए। खीर पूड़े वास्ते आपां केड़ा केड़ा समान लिया तुहानू दसदे आं। 1 कौली चौल ने, ते आपां खंड ली है छोटी कौली एक, चौल आपां इहदे नाल नापे इस कौली नाल, ते आपां लिया ड्राई फ्रूट जिहड़ा आपां खीर च पावांगे। ये बादाम ने, एक काजू ने, ते ये मगज ने थोड़े जे, ते ये आपां नारियल जिहनूं आपां खोपा कहिंदे ने, ते ये आपां लई आ किशमिश। ते खोपा, इस नूं आपां खोपा भी कहिंदे आ, ते नारियल भी कहिंदे, सुक्का नारियल आ। तो ये नाल दा वैसे गिला ही मिलता, लेकिन यह खुला सुक्का है, तो सुक्का आपां कट के ते वो पाया है। ये आपां आटा लिया है 2 कौलियां, ये अपने को गोड़िया जिहड़ा आपां कुट के ते बरीक कर लिया है, गुड़ अपने को सुक्का सी इस तरीके का, आपां कुट के इसनों बरीक कर लिया। देखण नूं वैसे शक्कर लग रहा है, जे कोई शक्कर आउंदी, शक्कर नहीं है, गुड़ आ। तो आपां इसनों कुट लिया, बरीक कर लिया तां कि आसानी हो जाए आपां घोलण वास्ते। हुण अपना दुध रिज रहा है, तो आपां सब तो पहला खीर की तैयारी करांगे, बाकी काम आपां बाद च करांगे। दुध अपना रिजदा पिया है, दुध आपां 2.5 किलो लिया है। जे अगर दुध थोड़ा होवे तो आपां अद्धा पानी अद्धा दुध ही पा सकते हैं। आ चौल जिहड़े आ मेरे को साबत सीगे, तो इहनू मैं 1.5 घंटा पहला भिगो लिया सीगा। जे अगर टुकड़ा होवे तो उसनू इन्ना लम्मा नहीं भिगोना पैंदा, उहनू थोड़े टाइम जी आपां भिगो लैंदे आ। तो इनू 2-3 पानी धो के आप चंगी तरह तो भगो लिया सीगा। 1.5 घंटा हो गया चौलों भिजिया नू। हुण आपां इन्हां नू विच पा देंगे, खीरे दी रहूगी, फिर बाकी आपां तैयारी बाद च करांगे। आ छोटी इलायची है, आपां इसनूं इदां ही छिल के ते साबत दाने पा देवांगे। इहदी जे टेस्ट है ना, जदों खीर रिजदी बहुत वधिया टेस्ट आउंदा छोटी इलायची दा। ते बाकी मिठा ते जिहड़ा आपां ड्राई फ्रूट आ उह बाद च पावांगे, जदों आपणी खीर पक जूगी, अद्धी कु पक जूगी, फिर आपां उहदे च मिठा ते ड्राई फ्रूट पा देंगे। फिलहाल आपां इहनूं 15-20 मिंट लई लगातार पक्कण देवांगे गैस घट ते। खीर अपनी बन चली है बहुत वधिया तरीके दे नाल, जिहड़े आपां चौल भिगो ले सीगे ना पहला, उहदा करके चौल खीर अपनी बहुत वधिया बनेगी। खीर नूं आपां इस तरीके दे नाल कड़छी दे नाल ना हिलाई जाणा लगातार, सारे चौल जिहड़े ने मिक्स हो जाणे विच दुध। ते हुण आपां इहदे च ड्राई फ्रूट जिहड़ा इह पावांगे सारा। ये नाल आपां खंड ही पा देंगे। मिठा ज़्यादा पाना या थोड़ा पाना ये अपना 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 टेस्ट है। जे तुसीं जाना ज़्यादा पाना चाहो तो ज़्यादा पा सकते हो, जे घट पाना है तो घट पा सकते हो। तो अपनी खीर हुण बनी है, बस 5 मिंट होर आपां पकावांगे इसनूं, उस तो बाद आपां गैस बंद कर देवांगे। खीर अपनी बहुत वधिया खुशबू आउण लग गई, ऐ संघनी हो गई बिल्कुल ही। जे आपां नूं लगे रे अगर अपनी खीर संघनी हो गई आ तो आपां मगरों दी दुध च पा सकदे आ रिजदी विच। जे अगर आपां नूं लग रहा कि अपनी खीर ठीक आ, ज़्यादा संघनी नहीं आ, बहुत वधिया तरीके नाल पक रही आ, तो फिर आपां नूं दुध नहीं पावांगे। जे जरूरत लगी तो पावांगे, नहीं तो नहीं पावांगे। हुण आपां इसनूं 5 मिंट होर पकावांगे, उस तो बाद आपां गैस बंद करांगे। हुण आपां पहलां आप तो गुड़ घोलांगे। तो आपां लिया गुड़, गुड़ वास्ते पानी आपां हल्का जिहा निघा लिया है, ठंडा पानी नहीं गा।
ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁੜ ਨੂੰ ਘੋਲ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਟੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੋਲ ਕੇ ਅਤੇ ਛਾਣ ਲਿਆ, ਛਾਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੜੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁੜ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਟੇ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁੜ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਟੇ ਦਾ ਘੋਲ। ਆਟਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਾਣਿਆ, 2 ਕੌਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਟਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੂੜੇ ਪਕਾਉਣੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਧ ਘੱਟ। ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੜ ਨੂੰ ਘੋਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਘੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ 3 ਕੌਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਪੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਟਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੋਲ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪੂੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਹ ਸੌਂਫ ਆ 1 ਚਮਚ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟ ਲਿਆ। ਆ 2-3 ਇਲਾਚੀਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਲਏ। ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਪੂੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ 1/2 ਕੌਲੀ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੋਲ ਸੰਘਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ।
बस आपां इसनूं इन्ना ही पतला रखना, इस तों ज़्यादा पतला नहीं करना। आपां अद्धी कौली पानी लिया, वो भी बच गया विच थोड़ा जिहा। तीन कौलियां तो थोड़ा जिहा पानी उपर पिया, इहदे च दो कौलियां आटा सी, एक कौली आपां जिहड़ा गोड़िया कुट के लिया सीगा। बाकी नाप तोल च थोड़ा बहुता उपर नीचे तो हो ही जाता, इहदा कुछ नहीं, इन्ना क तो चल ही जाता। हुण घोल अपना तैयार आ। तो जे अगर तुसी चाहो तो ये थोड़ा जिहा लूण हल्का जिहा पा सकते हैं आपां, ज़्यादा नहीं। उहदे नाल जिहड़ा मिठा है उहदा टेस्ट जिहड़ा ना बहुत ही वधिया हुंदा है। आ चिट्टा लूण है अपने कोल, बस थोड़ा जिहा ही, दो कु चुम चुटी इस तरीके ना, दो की चुटकियां लूण आ जिहड़ा आपां इहदे च पावांगे, ज़्यादा नहीं पाउणा कि फिर लूण का ज़्यादा टेस्ट आऊगा। ये जो मिठा जरा बैलेंस है ना बहुत वधिया बराबर हो जाता है। हुण आपां इहनूं 10 मिनट लई रैसट करन वास्ते छड्डांगे, उस तों बाद आपां पूड़ी बनावांगे। घोल अपना तैयार आ। आपां इहनूं 10 कु मिंट रखिआ है, जे हो तुहाडे कोल टाइम होवे तुसीं इहनूं कोशिश करो कि अद्धा घंटा वास्ते तुसीं इहनूं छड्ड दो। अद्धे घंटे बाद इहदा अपने आप ही थोड़ा कलर जिहा चेंज हो जांदा है। बाकी इस तरीके दा रहिणा चाहीदा है, इहनूं ज़्यादा पतला नहीं, क्योंकि जिन्ना वधिया इस तरीके नाल डिगेगा उस तरीके नाल अपने पूड़े जिहड़े आ उह बहुत ही वधिया पकणगे। तवा अपना गर्म आ, आपां पकावांगे पूड़े। आपां सब तों पहिलां हुण तवे 'ते पूड़ा पुन्ने आ। तवा आपां माड़े चोपड़ लिया ही, नॉनस्टिक तवे दे उत्ते घिओ घट लगदा है, इस करके आपां इह लिया है। गैस आपां घट ही रखांगे, ज़्यादा गैस दे उत्ते पूड़ा सड़ जाता है। पूड़े नूं आपां इस तरीके दे नाल पतला पतला पूरा कोशिश करांगे गोल ही कर दिए, जे माड़ा मोटा रह भी जावे तां कोई गल नहीं। पूड़े नूं आपां खिलारन वास्ते गत्ता लिया, गत्ता फोल्ड कीता। ते पहलां पत्ते पिपल दे पत्ते लियाई दे सीगे, उहनां दे नाल आपां इस तरीके दे नाल फोल्ड करके ते उहनां दे नाल पूड़े पका लेते सीगे। हुण शहरां 'च पत्ते कित्थों लियावे कोई, इस करके आपां गत्ते नाल ही काम चला लईदा। आपां इस नूं किनारे तों हौली हौली हिला के ते पलट देवांगे। अजे पूड़ा अपना कच्चा है। जे आपां लगे अपना पूड़ा नहीं सिप्पी दे नाल उतर रिहा ते आपां इस नूं हल्का हल्का घ्यो लगा दें, ज़्यादा नहीं, ता कि पूड़ा चक्कण दे नाल आसानी हो जाए थोड़ी जी। पूड़ा आपां पलट लिया आसानी दे नाल ही। पूड़ा आपां अपने हाथ दे नाल ही अगे पिछे कर रहे हुण। नॉनस्टिक का यह फायदा है, लोहे के तवे के उत्ते होंदा की है भी तवा पूड़ा अपना जिनी मर्जी कोशिश करिए जम जाता उत्ते, ते निचले हिस्से सड़ जाता है, उहदा टेस्ट नहीं आता वधिया। इहनूं आपां ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा जिहा घिओ लावांगे, मर्जी अपनी लगाओ, नहीं तो उस बिना घिओ तो ही पक जाना आराम दे नाल। घ्यो लाउणा है कि पूड़े का टेस्ट वधिया हुंदा, इस करके घ्यो लगाईदा।
गैस नू आपां थोड़ा तेज कर लीए। पूड़ा अपना कच्चा नहीं रहना चाहिए, ऐ वधिया तरीके नाल पक जाए फिर ही आपां इहनू चक्कांगे। पूड़ा अपना बन के तैयार है, देखो बहुत वधिया तरीके ना पक गया। इसे तरीके ना आप दूसरा पूड़ा पावांगे। गैस में फिर आप घट कर दिता, गैस ज़्यादा नहीं करांगे। फिर आप इसमें इस तरीके दे नाल ही गोल कर देवांगे। पूड़े पकाने बहुत ही आसान है, बस थोड़ी जी कोशिश करनी चाहिए है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बाकी वैसे भी सौन दे महीने दे विच ते खास पूड़े का टाइम होंदा है, हर किसी नू अच्छे लगते ने। जे मेहनत लगती तो टेस्ट भी बहुत वधिया होंदा है खीर पूड़े का। आपां इहनू भी उस तरीके दे नाल हौली हौली पका के फिर चक्कांगे। गैस नू आपां थोड़ा जिहा तेज़ कर लांगे। फिर थोड़ा जिहा आपां किनारे किनारे ते घिओ जिहड़ा लगावांगे, थोड़ा जिहा आपां इत्थे उत्ते भी ला देवांगे, ज़्यादा नहीं। गैस आपां फिर घट कर दिता। पूड़ा आपां फिर थल दिता। इसमें भी आपां थोड़ा जिहा घिओ लगावांगे, ज़्यादा नहीं लगावांगे। नॉनस्टिक तवे का यही फायदा है कि इतने घिओ थोड़ा लगता है, जिहड़ा लोहे का तवा होंदा उत्ते घिओ ज़्यादा लाउणा पैंदा आपां नूं। पूड़ा अपना भी पक चलिया। खीर पूड़े बहुत ही वधिया बनते ने जदों मीह पैंदा आवे। तुसी भी इसे तरीके दे नाल एक बारी जरूर ट्राई करियो, उम्मीद है कि तुहानू जरूर अच्छे लगनगे। क्योंकि मौसम बहुत वधिया हुंदा है बरसात दा, ते हर किसी दा मन करदा कि आपां खीर पूड़े खाईए। खास करके पंजाबियों दे विच तां इक फेवरेट है खीर पूड़े हर किसी दे। ते पूड़ा अपना आ भी बन के तैयार हो गया है। इस तरीके दे नाल आपां सारे पूड़े जिहड़े पका लवांगे। देखो पूड़ा किन्ना वधिया, बहुत ही पतला बनिया, ज़्यादा मोटा ही पूड़ा नहीं है। तो आप बाकी पूड़े सारे इस तरीके ना पका लांगे। साढ़े खीर पूड़े बन के तैयार ने, बहुत ही वधिया टेस्टी बने ने, बहुत ही स्वादिष्ट ने। उम्मीद है कि तुहानूं साढ़ी वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। तुसीं भी इस तरीके ना एक बारी ट्राई जरूर करियो। अगर तुहानूं साडी वीडियो अच्छी लगे चैनल नूं सबसक्राइब, वीडियो नूं शेयर और लाइक जरूर करियो। मिलदे आपां अगली वीडियो 'च।